दोस्तों आज के वीडियो में हम बताएंगे कि पेट की गर्मी को कैसे बाहर निकालें। तो गर्मियों का मौसम तो चल ही रहा है और गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही है, तो पेट की गर्मी या शरीर की गर्मी बढ़ना ये लाजमी है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं शरीर की में गर्मी बढ़ने से शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों इन गर्मियों के मौसम में आप कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके शरीर की गर्मी का लेवल बराबर हो जाएगा, आपके शरीर की गर्मी बाहर निकल जाएगी, आप उन रोगों से बच सकते हैं जो शरीर में गर्मी से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों बिना देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गर्मियों के मौसम में जब लोगों को प्यास लगती है तो लोग ठंडा पीने का मन करता है। सबसे पहले या तो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या तो फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक में अनेक प्रकार के केमिकल होते हैं और उनका जो नेचुरल बेस होता है, नेचुरल तासीर होता है, वो बिल्कुल गर्म होता है। ठंडा ठंडा तो पी लेते हैं लेकिन जब पेट में जाता है तो बिल्कुल गर्म होता है और गर्मी पैदा कर देता है। तो ऊपर की गर्मी तो है ही है, प्लस उस केमिकल की गर्मी, तो वो दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। कुछ लोग फ्रिज का ठंडा पानी भी पी लेते हैं, ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए, वो भी शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, क्योंकि ठंडा ठंडा तो हम पी लेते हैं लेकिन वो आगे जाके बहुत नुकसान करता है। हम बिल्कुल नेचुरल पानी पिएँ और कम ठंडा पानी पिएँ, ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएँ। नेचुरल पानी पीने से क्या होता है, हमारे शरीर में जाता है और बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए सबसे पहला आपको काम ये करना है कि पानी अधिक मात्रा में पीना है और नेचुरल पानी पीना है, इस केमिकल युक्त प्रोडक्ट से आपको बचना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले आपको अपने हाथ और पैर बहुत अच्छी तरह धोना है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है। अच्छी तरह आप धोएं शाम को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, जिससे कि हमारे शरीर की गर्मी बाहर आ जाती है। अगला काम आपको क्या करना है कि जो सीजनी फल है, जैसे गर्मियों के मौसम में आप जानते हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, अंगूर, संतरा इत्यादि चीज़ें, गन्ने का रस बहुत आसानी से मिल जाता है और ये सब सीजनी फल है जो कि गर्मियों में ज़्यादा मिलते हैं और गर्मियों में सस्ते भी हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। गन्ने का रस आपके पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, खासकर गर्मियों के मौसम में। संतरा, अंगूर इत्यादि भी आप सेवन कीजिए अधिक मात्रा में, क्योंकि ये सब चीज़ें गर्मियों में ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं। खरबूजा खा लीजिए, उसमें थोड़ा काला नमक डाल लीजिए, खीरा आप खा सकते हैं। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, न कि आप मार्केट के में बर्गर, पिज्ज़ा और चाउमीन, मोमोज के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं और शरीर में गर्मी बढ़ाती हैं, और शरीर में गर्मी बढ़ने से आप जानते हैं कि अनेक प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं और हम परेशान रहते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने शरीर की गर्मी और पेट की गर्मी को कम करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।